जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े और लाइफ में डट कर खड़े रहे, आप उनको देख सकते हो कि आज अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, घर ले रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग अ गुड इनकम फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। सबसे पहले मैं, जितने लोग नए लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि पहली बात कि अच्छा हुआ कि आपने ये पहला पड़ाव, पहला स्टेप ले लिया कि मिशन ग्रुप में आपको आना है। मिशन का मतलब है एक एक वॉर, एक कमिटमेंट अपने आप से, अपने सपनों से, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन फिर जो हमने मई से बैटिंग चालू की, हम कभी रुके नहीं पीछे, एंड आप देख सकते हो कि सारे रिकॉर्ड्स यहाँ बने हुए हैं, लोगों ने बड़े बड़े चेक्स कमाए हुए हैं, गाड़ियां उठाई भी हैं। ये अभी जितने भी लोग अभी यहाँ हैं, अगर मैं बात करूं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की इस बिजनेस की, अगर मैं अपनी बात करूं, 2006 में जब भी मेरा जन्म हुआ था इस इंडस्ट्री में, तो पहले पांच छह महीने तो मुझे बिजनेस प्लान समझने को लगा था, एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि कैसा करना है, क्या करना है। लोग मुझे मीटिंग पे बुलाते थे, ट्रेनिंग पे बुलाते थे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देता था, आई वॉज एन एक्सक्यूज मैन, आज ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब मैं कैंप में बैठा, विच एक्चुअली टोटली चेंज माई एंटायर लाइफ। और हर बंदा जो मुझे अभी सुन रहा है, हर बंदे के अंदर कहाँ ना कहाँ एक छोटा फियर रहता है कि मैं ये प्लान किसको कैसे लूं, मैं किसी को कैसे अप्रोच करूं, इसको कैसे बोलूं। अंदर ही अंदर एक फियर हमेशा होता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स या मेरे कोई ऑफिस के कलीग्स ये क्या बोलेंगे मुझे। ये फियर हम सबके अंदर है कि लोग क्या सोचेंगे, एम आई राइट और नो? और जो लोग बोलते हैं नहीं ये झूठ है, हर बंदे के अंदर वो फियर आज भी है, चाहे वो कुछ भी चीज करने को जाए। नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस प्लान, अदर देन द बिजनेस प्लान, कोई भी एक ऐसा हटके चीज करना जाए, कोई भी कोई ऐसी अलग चीज करने जाए, कोई भी ऐसा खानदान में ऐसा कुछ करने जाए, तो अंदर से आवाज हमेशा एक रोकती है कि मत करो, नको नको, अभी मत करो, अभी मत करो। लेकिन जितने भी लोग इस बिजनेस में आज सक्सेसफुल हैं, उन्होंने उस आवाज को नीचे दबाया है, अंदर दबाया है और आगे बढ़े हैं। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, बिकॉज जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, हमारे लिए वहां 30,000 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी इस बिजनेस प्लान में, तो मैं सोचता था 30,000 रुपए के लिए मैं किसको क्या बोलूं, मैं ऐसा लगता था कि मैं छोटा हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे चीजें मेरे दिमाग में हमेशा हुआ करती थी, एंड मैं मेरे दोस्त लोग मुझसे आगे निकल जाते थे और मैं पीछे रह जाता था। अगर हम क्लासरूम की भी बात करें तो वैसा ही होता है। बट कहाँ ना कहाँ एक स्टेज आया, एक टाइम आया जब मुझे जंप मारना पड़ा। जैसे हमेशा बोलते हैं, अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है तो यू नीड टू टेक अ जंप, यू नीड, वहां खड़े रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे अभी आपने फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी उठा लिया है कि मिशन ग्रुप में आने के लिए, सो ऑलरेडी आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है। द सेकेंड स्टेप वुड बी यू नीड टू टेक अ जंप, यू नीड टू टेक अ लीप। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अपलाइन, आपके सीनियर कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर इस ग्रुप में अगर महिंदर सर हैं, रूपाली मैम है, मंगेश सर, कैलाश, गणेश हैं, ये मेरे साथ पिछले मोर देन 9 to 10 years, 10 सालों से काम कर रहे हैं, और ये भी जब भी आए थे, ये सेम आपकी तरह एक फ्रेश नेटवर्किंग में कदम रखा है, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी आप प्लान सुनते हो तो प्लान में आपको कुछ कुछ पैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि क्या है। लेकिन 5-6 महीने जब गुजर जाते हैं बिजनेस में, वो हमें जब भी बड़े बड़े थोड़े थोड़े, उस वक्त हमारे जो बादल हैं, जो आंखों के सामने लगे हुए हैं, जो धुंधलापन है, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। हमारा जो बिलीफ है इस बिजनेस में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो लास्ट ईयर अगर मिशन ग्रुप में थे, जो आज एपी बन गए हैं, तो यू कुड रिलेट विथ मी। लास्ट ईयर जो हम बातें कर रहे थे, और इस साल जब भी आपने वो पड़ाव पड़ा है, आगे वो फर्स्ट स्टेप लिया है, तो कहाँ ना कहाँ आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो बिलीफ है इस बिजनेस के प्रति बढ़ने लगा है। एंड जैसे जैसे आप आगे जाते हो, जैसे जैसे आप आगे जाते हो, आपके थोड़े टीम में लोग जुड़ते हैं, आप लीडरशिप लेवल पे आते हो, आप पेन से लेके मार्कर तक आते हो, योर कॉन्फिडेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कमिटमेंट लेवल, ये सब आगे बढ़ने लगता है, एंड क्लियरिटी और मिल जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने सोचा था हाँ यार कुछ लाख रुपए ही आ जाए तो ठीक है, इतना पैसा डाल रहा हूँ। आई डिड नॉट सी दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, आई डिड नॉट सी दैट रिटायरमेंट, आई डिड नॉट सी दैट मैं लाइफ में कुछ नहीं भी करूँ बैठे बैठे इनकम आएगी।
बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया एंड सीरियसली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द लाइफ जो मैं अभी जी रहा हूं, मतलब सुबह उठ के पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आप में से अभी कितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि जब आप सुबह उठते हैं कि आपका पहला दिमाग में क्या आता है। हर आदमी के यहाँ पहले दिमाग में आता है कि इसका बिल देना है, वो बिल देना है, मम्मी बोलती है कि लाइट का बिल पे करना है, अखबार वाले का पेंडिंग पैसा पड़ा है, उसका लोन चुकाना है, ये चुकाना है, ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये चलती रहती है। लेकिन वेलकम ऑल टू तिरुमला, वेलकम ऑल टू एक्सलेंसी, ये जो सारी अड़चने हैं, ये जो सारे टेंशन है, यहाँ आपके डेफिनेटली खत्म होंगे। एंड आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस यू दैट, बिकॉज तिरुमला तिरुपति ने हमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीटीएमएस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द वर्ल्ड विच हैज डायनेमिक लीडरशिप, विच हैज 127 ऑफिसेस। आप समझ सकते हो कि 8वें साल में 1,000 करोड़ करना क्या होता है? 1,000 करोड़ अगर आप अपने मुंह से बोलोगे, 1,000 करोड़, पहली बात तो आप इसको क्लियरली बोल नहीं सकोगे, कि जब हमने शुरू किया था, हमारा पहले साल में कुछ 2.5-3 करोड़ किया था, अगले साल हमने 6-7 करोड़ किया था। उस टाइम हम बातें करते थे कि दिन का 1 करोड़ भी हो जाएगा तो वी आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज हमारे दिन के 3-3, 3.5-4 करोड़ होते जा रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ जो एवीपी लेवल पे हैं, बीसी लेवल पे हैं, एवीसी लेवल पे हैं, दे आर टेस्टिंग द बिग मनी, दे आर टेस्टिंग द बिग चेक्स। एंड आई प्रोमिस यू, ये सारी चीजें आपके हाथ में भी आएंगी अगर आप अपने आप पर बिलीव करोगे और वो जो अंदर की जो डर की आवाज है उसे दबा के बेझिझक प्लान करोगे। बिकॉज इस बिजनेस का एक ही सक्सेस मंत्रा है, शो द प्लान, 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 और कुछ नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोले कि ये सीखना होगा, अगर अभी पूछे मुझे कि एपी एपी पे कितना परसेंटेज मिलता है, एसपी पे कितना परसेंटेज मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना है, एमआईपी प्लान कितना है, आई सीरियसली डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं सीरियसली, मैं और गुरमीत की अगर बात करेंगे, हमें नहीं पता है, क्योंकि वी टीम ये सब प्लान बनाती है अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। लेकिन मुझे एक ही चीज पता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, माई पीपल, कि यहाँ हम कुछ बड़ा करने आए हैं। हमारा प्रोडक्ट सही है, हमारा प्लान सही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इट्स जस्ट बिलीफ इन माई सेल्फ, और मुझे खाली आगे बढ़ना है बगैर डर के। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग डर डर के भी बिजनेस करते हैं, सेफ खेल खेल के बिजनेस करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने हिसाब करने वाले लोग यहाँ साफ हो जाते हैं। अपने हिसाब से अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आप साफ हो जाओगे। बिकॉज आप जिस जॉब में हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, वहां आप मास्टर हो, आपके जॉब में आप मास्टर हो, लेकिन यहां हम मास्टर हैं। यहां हम वो सारी गलतियां कर चुके हैं जो हम नहीं चाहते कि वो गलती आज आप करो। गणेश, कैलाश, मंगेश, महेंद्र, रूपाली, ये सब वो गलतियां कर चुके हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास ऐसे अपलायंस हैं। बिकॉज बहुत सारी कंपनियों में लोग जोड़ तो देते हैं लेकिन उनके साथ कभी खड़े नहीं रहते, वो लोग सिर्फ अपना फायदा सोच के निकल जाते हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई, हमारे रिलेशनशिप, तिरुमला की जो लोग हैं, लीडरशिप पे लोग हैं, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। हमारी जो एजुकेशंस हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अपने आप को खाली जो अपना जो प्लग है अपने अपलाइन के साथ लगा देना, ऑटोमेटिकली 1-2 साल, 3 साल में आप पार हो जाओगे। उन दिनों में मैं महेंद्र रूपाली को बोलता था कि एक टाइम में आएगा तुम्हारे नीचे इतने 4x4 चलेंगे, इतने कैंप होंगे। तो उस टाइम पे अंदर ही अंदर ये लोग हंसते थे कि सर आज, उस टाइम तो इतनी मुश्किल होती थी कि हम एक कैंप में लोग नहीं बिठा सकते थे। महेंद्र, डू यू एग्री विद मी ऑन? उस टाइम में एक कैंप में बिठाने के लिए मतलब हालत खराब हो जाती थी, जब 2,500 या 3,000 रुपए का खाली एंट्री था। जी सर। उस टाइम पे 100 लोग को बिठाना जान पे आता था। और उस टाइम पे मैं इनको बोलता था एक टाइम आएगा आपके नीचे इतने कैंप चलेंगे। लास्ट ईयर महेंद्र, आपके नीचे कितने कैंप हुए? टोटल 6 कैंप जी। लास्ट ईयर आपके नीचे 6 कैंप हुए। कैन यू इमेजिन, इस साल V1 में सिर्फ V1 में 25 से 30 कैंप होने वाले, सिर्फ V1 ऑर्गेनाइजेशन में। ये कम से कम मैं नंबर बोल रहा हूँ। अगर RDX
आर्यन हैप्पी लाइफ ड्रीम अचीवर्स की बात करें, इस साल हम लोग 100 से 125 कैंप करने वाले हैं। सो 365 दिन में से 125 कैंप, कैन यू इमेजिन, हर 2 दिन छोड़ के कैंप। बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है, मार्केटिंग की जो ग्रोथ है, इट्स लाइक 2000 टाइम फास्टर देन एनी अदर बिजनेस। पहली बार यू आर, आप ब्लेस्ड है, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा कि आपने इस इंडस्ट्री में हमारे साथ हाथ जोड़ा है, हमारे साथ हाथ मिलाया है। एंड आई प्रॉमिस यू, आपको कभी मैं फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है आने वाले कुछ टाइम में, मतलब अभी तो हमारा बिजनेस महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, गुजरात में है, हम बाकी स्टेट के भी लाइसेंस लेने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो कोरोना का जो ये खेल चल रहा है, अभी भी मैं आज टीवी पर देख रहा था, मुझे मोटा मोटा इतना समझ आया है कि कोरोना तो पहले भी था, अभी भी है, अभी खाली केसेस दिखा रहे बढ़ रहे हैं, और ये रीजन भी क्यों है, क्योंकि इनको सबको वैक्सीन देनी है, ये डराया हुआ भी इसलिए है क्योंकि इनको सबको वैक्सीन देनी है। आने वाले 3-4 महीने में जैसे अभी सर्टिफिकेट दिखाते हैं हम ट्रैवलिंग का कि हमको कोरोना नहीं है, आने वाले 3-4 महीने के बाद ये होगा कि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। राइट सर, आप प्लेन में तभी चढ़ सकते हो कि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, आप मॉल तभी जा सकते हो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, आप ट्रेन में तभी सफर कर सकते हो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। ये खेल है। सो इस खेल से डेफिनेटली वी आर दैट मैच्योर्ड इनफ, हमें पता है क्या है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें पीछे नहीं हटना है। जैसे लास्ट ईयर हमने प्रूफ करके बताया, पैंडेमिक में चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें हमने 1000 करोड़ किया है, इस साल मेरा गोल है 2000 करोड़, इस 2000 करोड़, लास्ट ईयर अगर 1000 करोड़ हुए हैं तो उसमें से 100 से 125 करोड़ बटा है, दैट मीन्स 100 to 125 crore कमीशन इंसेंटिव वो आप लोगों में बटा है, वो TTMS की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बटा है। अभी आप मुझे बताओ वो 125 crore की जो इंसेंटिव कमीशन है वो किसने डिसाइड की, मैंने की आपने, आपने उसमें से कमीशन, उसमें से आपका कितना हिस्सा था लास्ट ईयर की, अगर आपकी पे आउट की बात करूं तो 125 crore में से आपने कितना हिस्सा उठाया। सो अगर आपने, लगता है कि आपने 5 लाख 10 लाख उठाए तो वो आप पे है, तिरुमला तिरुपति यहाँ बैठा हुआ है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, बाकी कोई भी जॉब, कोई भी दूसरा बिजनेस, आप कितना भी घिसा लो, कितना भी कुछ कर लो, आपका एक बार लगा देते हैं कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। अभी अमोल मस्के बेच रहा है 9 लाख, ओके, वेरी गुड अमोल मस्के। सो इस साल 2000 करोड़ इज माई गोल, 2000 करोड़ में से अगर मैं बोलूं 200 टू 225 करोड़ कमीशन इंसेंटिव बटेगा। सो जितने भी लोग मुझे आज यहां सुन रहे हैं, आप डिसाइड करो कि आपको इसमें से कितना इंसेंटिव उठाना है, कितना कमीशन लेना है, बिकॉज दिस बिजनेस, ये बिजनेस उसके लिए है जिसका बिलीफ स्ट्रांग है खुद के अंदर, ये बिजनेस उसके लिए है जो सीरियस है अपनी फैमिली को लेकर, ये बिजनेस उसके लिए है कि एक टाइम पे लोग उसको पूछते नहीं थे पर अभी उसको मौका मिला है, ही इज गोइंग टू प्रूव इट। ये बिजनेस उसके लिए है जो अपनी फैमिली, मॉम, डैड, भाई, बहन, वाइफ को सबसे बेस्ट लाइफ देना चाहता है। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, TTMS एक्सीलेंसी, माय पीपल, माय ऑर्गेनाइजेशन, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको सिर्फ एक बोलते ना और ये एक जिद्दी, एक जिद्दीपन, एक सरफिरा वैसा बन के उतरना होगा। अभी बहुत सारे लोग जैसे बोले लॉकडाउन है तो अभी येलो स्टिकर का भी कुछ आया है कि जितने लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हो वो येलो स्टिकर ले लो, TTMS का ऑनलाइन वेलकम का कुछ फॉर्म है वो आप ले लो। एंड लास्ट ईयर लोगों ने जूम कॉल पे इतना बड़ा बिजनेस किया है, तो जितने लोग जूम कॉल पे अभी अभी सीख रहे हैं तो अपने सीनियर से सीख के उसको जल्दी अडेप्ट करो, उसको जल्दी सीख लो, बिकॉज कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है। अगर मुझे आगे जाना है तो मतलब मुझे आगे जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा, ये डिसीजन आपको अंदर लेना है और अंदर के डर को हटाना होगा। ये बिजनेस ट्रायल पे नहीं है, आप ट्रायल पे है। 8-9 सालों में हमने प्रूफ कर दिया कि TTMS प्लान इज प्रूवन,
हमारे लीगैलिटीज, हमारे बैलेंस शीट, हमारे ब्रांचेस, हमारा स्टाफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा रिलेशनशिप, हमारा आप ओवरऑल कुछ भी देख लो, वी आर 100% गारंटीड प्रूवन। आप प्रूवन है क्या? आप रेडी है क्या अपना 100% देने को? अगर आप रेडी है तो आई प्रोमिस यू आपको पीछे पीछे कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी द नेक्स्ट मिलियनेयर। अभी मैं सुन रहा था कैलाश और मंगेश ने मर्सिडीज लिए लिए कि आ गई है या आ रही है? अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। अभी एक टाइम था महेंद्र बोझ कैलाश इसे बाइक पे आते थे, मेरे को आज ही मालूम है कार ऑफिस में है ना, बाइक पे आते थे, बारिशों में भीग भीग के आते थे और मैं उनको बोलता था एक टाइम आएगा ये होगा, एक टाइम आएगा ये होगा। अंदर ही अंदर ये भी हमेशा डाउट करते होंगे, मगर इनका बिलीफ था हम पे कि हम पीछे नहीं जाएंगे और हम रास्ता निकाल के रहेंगे। एंड आई एम सो हैप्पी आज जो V1 की लीडरशिप है, जो V1 के AVPs, VCs, ABCs हैं, दे आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब, दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, देयर कमिटमेंट लेवल इज वेरी हाई एंड आप ब्लेस्ड हो कि आप V1 ऑर्गेनाइजेशन में आपका जन्म हुआ है। So do not miss the chance, do not miss the bus, hold their hand very strongly and jump in. और जितने लोग last year AP बने हैं, इस साल आपका जो आपको challenge दिया है 5 recruitments, आप सोचो अगर 2-3 महीने आपने सिर्फ 5 recruitments किए हैं, आने वाले 3-4 महीने में आपकी 20-25 की टीम बन जाती है। और जितने भी लोग जो नए हैं, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं, जो रिक्रूट नहीं कर सकते, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको एक गोल देता हूं कि 30 अप्रैल तक आपका गोल होना चाहिए 5000 RD, 5000 रिकरिंग डिपॉजिट, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो। बिकॉज ये छोटे छोटे चैलेंज अचीव करके ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर वो छोटे छोटे गोल मारने की ताकत है क्या, क्योंकि छोटा छोटे 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 गोल मार मार के ही आप ऊपर तक पहुंचते हो। याद रखना कि जितने भी लोग लीडर्स बने हैं यहाँ, AVPs, VCs, जितने भी लोग बने हैं, उन्होंने छोटे 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 गोल अचीव कर करके टुडे दे आर देयर। आज जो आप इनकी लाइफस्टाइल देख रहे हो, इनका हुलिया देख रहे हो, इनके शौक देख रहे हो, ये बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे वो सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो सैक्रिफाइसेस मैंने किए हैं, गुरमीत ने किए हैं, देवांग ने किए हैं, संतोष ने किए हैं, राहुल, सतीश, भक्ति, नमित, Everyone we had done it. और हमने तो क्राइसिस भी देखा, जब एक्सलेंसी था हमने तो उस टाइम पे ऐसे क्राइसिस देखे हैं, भगवान नहीं करे आपको देखना मिले, लेकिन उस क्राइसिस में भी वी फॉट लाइक अ वॉरियर, वी फॉट लाइक स्पार्टन। आपने स्पार्टन मूवी देखी होगी, 300 men। हम में से बहुत लोग जुड़े थे हमारे साथ, बहुत लोगों ने हम क्विट कर दिया, बहुत लोगों ने बोर्ड से छलांग मार दी, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप वी देखते हो, एवीपी देखते हो, हम सब एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का डट के खड़े थे। हमने जंप नहीं किया, हमने गिव अप नहीं किया, हम हमारा गोल, हमारा मिशन एक था, हमारा मिशन था कि रास्ता नहीं भी होगा, माँ की आंख, हम आगे दूसरा रास्ता बनाएंगे, लेकिन हमें पीछे कोई नहीं जा भेज सकता है, वी विल मेक अ वे। बिकॉज याद रखना एक बात, मैं आज इसलिए सक्सेसफुल हूं क्योंकि दुनिया तो पत्थर फेंकेगी फेंकेगी, दुनिया तो छींटे मारेगी मारेगी, आपको डिसाइड करना है वो चीज आप पे ज्यादा हावी हो रही है कि आप उस चीज पे ज्यादा हावी होकर और अपने आप को सक्सेसफुल बनेंगे और मजबूत बनाएंगे और ऊपर जाएंगे। किसी को भी मारना है तो गाली से, हाथों से नहीं, अपनी सक्सेस से मारना, याद रखना है बात। इतना बड़ा बन जाना, इतना बड़ा बन जाना, खुद इंसान को अपने आप को छोटा महसूस करेगा। एंड तिरुमला तिरुपति वो हाथी है, हम वो हाथी हैं जो कुत्ते भौंकते हैं, पीछे नहीं देखते। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट टीम आई वांट टू वर्क विथ। आने वाले 15 मई को मैं वापस जूम कॉल लूंगा, काफी सारी अनाउंसमेंट करनी है, ABCs, VCs, काफी सारे नए अनाउंसमेंट होंगी, 300, और इस साल का मेरा गोल है नए 300 बनाने हैं, 300 वॉरियर्स, 300 स्पार्टन्स, एंड उसके लिए आई गिव माय 202%।
जैसे जो बोलते हैं 212 डिग्री, हमारे अगर पता नहीं आपने वो ट्रेनिंग अटेंड की कि नहीं की, इस टाइम हम लोग सारी बी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सब तबे पे बैठे हैं, ना हम सोएंगे ना आपको सोने देंगे, आप रेडी हो क्या, आप तैयार हो? सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट महेंद्र. एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू कवर? मंगेश, कैलाश, गणेश, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? मैं ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे बैठा हूँ मनाली में, मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग अभी अचीव करो इसको. तो मेरा नेक्स्ट प्लान है कि एवीपीस के जो कुछ वीसीज हैं उनको मैं ऊपर बुलाऊंगा, स्पेंड 2-3 डेज विद मी एंड यस लेट्स रॉक टुगेदर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.